हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी पूरी बॉडी पे अनचाहे बालों को दूर कर सकते हैं, अपने अपर लिप्स, हाथ पैरों पे से, अपने चेहरे पे से किस तरीके से अनचाहे बालों को दूर कर सकते हैं। आज का जो नुस्खा मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजिली आप बना सकते हैं और घर पर ही अनचाहे बालों को आयुर्वेदिक तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर आप इस नुस्खे से अपने अनचाहे बाल को दूर करेंगे तो वो आपके अनचाहे बाल कभी नहीं आएंगे। तो बिना किसी तरीके इस नुस्खे को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना। तो सबसे पहले हम एक क्लीन बाउल ले लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूँ का आटा। फ्रेंड्स, गेहूं का आटा हमने बहुत बार यूज़ किया है, इसका हमने बहुत बार यूज़ किया है अपने अनचाहे बालों को दूर करने के लिए। ये बहुत काम आता है, जड़ से ख़त्म कर देता है अनचाहे बालों को, इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बना रहे हैं, अपनी फुल बॉडी के लिए बना रहे हैं या फिर हाथ पैरों के लिए या फिर चेहरे के लिए। तो मैं इसको चेहरे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करूँगी। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। बेसन भी फ्रेंड्स बहुत काम आता है अनचाहे बालों को दूर करने के लिए, साथ ही अनचाहे बालों को दूर करने के साथ साथ तो हमारी पूरी बॉडी पर से कालेपन को भी दूर करता है, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, मैल धूल मिट्टी को भी दूर करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए हम इसको भी उतनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे जितने हमने यहाँ पर आटा लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी यानी कि टर्मरिक। हम यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी ऐड करनी है, आप चाहे तो कस्तूरी हल्दी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। जब हम अपने अनचाहे बाल छुटाते हैं तो वहाँ पे जो रेड रेड हो जाता है ये उसे आने से रोकता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट में इसको मिक्स करने के लिए आपको करना क्या है, आपको पानी लेना है, उतना पानी लेना है जितने में ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसके अंदर आपको 1 बड़ी चम्मच चीनी ऐड करनी है और उसको अच्छे से घोलना है, और जब वो घुल जाए तब आपको उसके पानी से इसको अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे आपको पानी ऐड करना है और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। चीनी फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ये वैक्स का भी काम करती है। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं एक स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गया है इसका। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। जहाँ पर भी आपके अनचाहे बाल हैं आप वहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अच्छे से इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। और जब ये ड्राई हो जाए तब आप इसको इस तरीके से छुटा लीजिए। आपको डायरेक्टली वॉश नहीं करना है, पहले आपको इसे छुटाना है और छुटाने के बाद आपको अपने फेस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपका जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, स्मूथ हो गया है। उसके साथ साथ आपके चेहरे पे या फिर जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया है वहाँ से अनचाहे बाल जो हैं वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, एक ही बार में आपके सारे अनचाहे बाल दूर हो गए। इससे यकीन मानिए, मैंने भी इसे ट्राई किया है, मुझे इसका सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरा हाथ गोरा भी हो गया है। मैंने इसको 15 से 20 मिनट नहीं ट्राई किया इसलिए मेरा अनचाहे बाल यहाँ से नहीं गए हैं, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, साथ में अनचाहे बाल भी बिल्कुल दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, मैंने इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ की हैं सारी की सारी नेचुरल होती हैं, वो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ
तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।